टक 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 टंग टंग। तो दर्शकों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है भैया जी ऑन रोड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारे जो पिछले वीडियो का प्यार दिखाया आप लोग ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि हमें सूत्रों से पता चला है कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि भैया जी आप एक एंगल पे वीडियो क्यों बनाते हो, वैसे तो स्टोरी टेलिंग एक ही पे होती है, ऐसा हमने उन्हें कहा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पर कोई बात नहीं, आपके लिए आपके भैया जी आप जो कहेंगे वो करेंगे, इसीलिए आपके भैया जी आ गए अपने मित्रों के साथ बाहर वीडियो शूट करने। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि बारिश हो रही है, हम सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन आज का जो हमारा विषय है, हमारे न्यू लैपटॉप का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम आपके भैया जी, तो जिसके लिए लोकेशन ये परफेक्ट नहीं है। सिर्फ आपके लिए हम आए थे बाहर, अब चलते हैं घर की ओर जहाँ पे हमको करना है अनबॉक्सिंग। तो चलिए मिलते वहीं। तो जिस लैपटॉप की मैं बात कर रहा था वो लैपटॉप है ये Acer Aspire 7। तो इसको हम करेंगे अनबॉक्स थोड़ी ही देर में। उससे पहले हम चाहते हैं कि हम ऐसे अनबॉक्स नहीं करेंगे, हम करेंगे अनबॉक्स एक यूट्यूबर के स्टाइल में, जो एक होता है पेटेंट एंगल, वो एंगल पे हम पहले जाएंगे और फिर करेंगे इसको अनबॉक्स। तो ये है हमारा लैपटॉप आज, तो इसको हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। वैसे तो 4 बार कर चुके हैं। तो यहाँ से देख रहे हो कि खुल चुका है ये ऑलरेडी। तो चलो इसको हम ओपन करते हैं। ये है पहला बॉक्स, ये है फाइनल बॉक्स Acer का Aspire 7 का बॉक्स। तो ये हो गया बॉक्स, एकदम ऐसा लग रहा है कि बेरोज़ बिरयानी आया है। यूज़र मैन्यूल, जिसको हम बोलते हैं पुस्तक, जो हमारे कुछ काम करेंगे। वाओ, तो ये है Acer का Aspire 7 Ryzen 5। बड़ा बढ़िया लग रहा है लैपटॉप देख के तो मुझे। लाइट वाइट वो भी, और ये Acer बूट होते हुए, और ये हमारा थंबनेल। नाइस वन। तो ये तो कर दिया हमने अनबॉक्सिंग, पर इसकी जानकारी देगा कौन अभी? तो जानकारी देने के लिए हमने बुलाया एक एक्सपर्ट। वर्चुअली, फिजिकली तो आ नहीं सकते वो, क्योंकि लॉकडाउन चालू है भाई। तो ये हमारे मित्र हैं कॉलेज के, जिनसे हम आज तक कभी नहीं मिले क्योंकि कॉलेज भी वर्चुअली चल रहा है। तो इसीलिए इस लैपटॉप के बारे में जानकारी देंगे हमारे मित्र हर्षनवीन गांधी। गांधी सुन के आप ये मत सोचिए कि इनका कुछ ताल्लुकात है गांधी परिवार से। तो चलिए उनको वेलकम करते हैं, और वो बताएंगे हमें पूरा इसके बारे में कि क्या स्पेसिफिकेशन है और हमने क्यों बाई किया। सो फाइनली हर्ष हमारे साथ है यहाँ पे, जिन्होंने मुझे ये लैपटॉप को सजेस्ट किया था। हम लोग 1 वीक से ट्राई कर रहे हैं कि हाँ चलो करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो आज फाइनली हम दोनों को टाइम मिल गया, और ये रहेगा हमारा एक रिव्यू रहेगा छोटा सा, जो हर्ष देगा, थोड़ा बताएगा उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट हर्ष, तो ओवर टू यू, स्टार्ट करते चलो फिर। थैंक यू वेरी मच चैनल पे फीचर करने के लिए। ऑलवेज वेलकम ब्रदर। आई तो मतलब वी कुड स्टार्ट विद बिल्ड क्वालिटी। तो ये लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी रीजनेबल है, मतलब एवरेज लैपटॉप की होती है। जैसे इस पर बैठो मत, इसको फेंको मत, मतलब ठीक है, अच्छी। स्पीकर्स ठीक ठाक है मतलब, बट अगेन मतलब स्पीकर कौन यूज करता है एक्चुअली, एक्सटर्नल स्पीकर्स। एक्चुअली सही बात। तो ऐसे बहुत अच्छी है। मुझे जरा ये बताना कि तूने मुझे ये क्यों सजेस्ट किया, मतलब कि AMD लेना चाहिए ओवर इंटेल? बिकॉज मैं देख रहा हूँ मोस्टली कि लोग इंटेल ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू AMD। तो मुझे जरा और मेरे ऑडियंस को जरा ये बता दे कि मतलब एग्जैक्टली ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्यों AMD को हम लोग ने चूज किया। अरे एक्चुअली मतलब मैं खुद भी ये मतलब सोच रहा था कि AMD लूं या ना लूं। देयर वाज लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग AMD। तो द थिंग इज ना, इंडिया में इतना अवेयरनेस है नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो जितना यूएस में है। यूनाइटेड स्टेट्स के अमेजोन में 90% AMD के प्रोसेसर बेचे जाते हैं, एंड जस्ट 10% मतलब छोटा सेगमेंट इंटेल का है। तो मतलब इससे क्लियर है कि AMD में दम है, तो हमारी यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो मतलब AMD वर्सेस इंटेल का कुछ रीजनेबल कंपेयर करें ना हम। तो ये लैपटॉप में स्पेसिफिक कौन सा प्रोसेसर है कि 5000 सीरीज का 5500U, तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा इंटेल का i5 1135G7 11 जनरेशन का i5 ओके तो इनमें ना बेसिक डिफरेंस तो यही है कि इंटेल का चिप इज बेस्ड ऑन 10 नैनोमीटर प्रोसेस एंड AMD का इज मोर लेटेस्ट मतलब मोर एडवांस 7 नैनोमीटर प्रोसेस। तो इसका मतलब ये तो नंबर्स है पर इसका एक्चुअल में फायदा ये होगा ना कि 7 नैनोमीटर वाला कंज्यूम्स वे लेस पावर एंड देयरफॉर मतलब इन रिजल्ट की बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा मिलेगी इंटेल के कंपैरिजन में। सो ये तो बात हो गई इंटेल और AMD के बारे में कि मतलब एग्जैक्टली AMD क्यों इतना बेहतर है एज कंपेयर टू इंटेल, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने लोगों से ये सुना है कि गेमिंग कम प्रोफेशनल लैपटॉप ये बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा देखा जाए तो मतलब दोनों यूज हो सकता है, तो ये क्यों है एग्जैक्टली बताएगा मुझे और मेरे ये ऑडियंस लोगों को भी। अरे ये दो बात है ना कि हमने गेमिंग लैपटॉप करके इसको मार्केट किया है तो द रियलिटी इज कि पूरा मतलब कोर गेमिंग लैपटॉप नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है कि मतलब आप गेमर बन जाओगे स्ट्रीमिंग करोगे, वो लेवल का नहीं है। दिस लैपटॉप इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स वर्क्स एंड कैजुअल गेमिंग। तो गेमिंग का रेफरेंस देने के लिए मैं फोर्टनाइट खेलता हूँ तो फोर्टनाइट हाई ग्राफिक्स पे 60 एफपीएस कांस्टेंट देता है। दिस इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ गेमिंग बट इट इज स्टिल इंप्रेसिव एंड थैंक्स टू द 4GB डेडिकेटेड GTX 1650 ग्राफिक्स। तो मतलब प्रोफेशनल यूज के लिए एग्जांपल दिया जाए तो फॉर एग्जांपल एडोब प्रीमियर प्रो तो ये यूज करने में बहुत ज्यादा इट वुड बी इजी बिकॉज ऑफ फर्स्ट थिंग द सीपीयू 6 कोर। अनदर थिंग ये सॉफ्टवेयर अपना जो 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स है उसको यूटिलाइज बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तो इतना तो हम लोग ने बात कर लिया वैसे, तो चलो फिर कर देते प्राइस रिवील इसका कितना एग्जैक्टली अभी एसर के वेबसाइट पे कितने का मिल रहा है और ऑफलाइन कितने में पड़ जाएगा अगर कोई लोग अगर लेना चाहेगा तो। ये पार्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन देखे ना तो यूजुअली लैपटॉप्स आर अबाउट 65,000 70,000 पर ये पर्टिकुलर लैपटॉप एसर की साइट पे 56,000 को है और तूने शायद विजय सेल से लिया तो वहां पर 57,000 है। तो मतलब लाइक 100% वैल्यू फॉर मनी। जब कंपनी को प्रोसेसर चिप खरीदने में इंटेल की चिप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है एज कंपेयर टू AMD सो दैट इज द मतलब मेन कॉस्ट कटिंग फैक्टर। तो इसीलिए चीप है, परफॉर्मेंस का एज सच कोई इश्यू नहीं है अगर कोई टेस्ट अगर साइड बाय साइड कंपेयर किया फिर भी। ठीक है। सो ये सब तो बात हो गई, तो थैंक यू सो मच हर्ष थोड़ा अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए बिकॉज बहुत टाइम से वेट कर रहा था। अभी लेट्स से ये जब वीडियो बन जाएगा आई होप अपने ऑडियंस लोगों को पसंद आए ये वीडियो और उनको कुछ हेल्प मिले इससे और वो भी बाय करे एसर का लैपटॉप। और क्या आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव वाओ टाइम हो गया यार। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ हमारे गेस्ट के लिए लाइक कर दो और मेरे लिए कमेंट कर दो क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कैसा लगा वीडियो और बताना मुझे कि अगला वीडियो किस पे हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।